देख सकते हो फ्रेंड, हमारे पास ये वॉल्वो कंपनी की गाड़ी आई हुई है। इसमें क्या प्रॉब्लम, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये गाड़ी आई है मेरे पास, इसका एयरबैग फट चुका है। कस्टमर का कंप्लेन है, मेरा गाड़ी ठोका था तो एयरबैग फट चुका है। देख सकते हो मैंने इसका डैशबोर्ड ऐसे खोल दिया है, आगे से ये गाड़ी ठुकी हुई थी। देख सकते हो ग्रिल इसका टूटा हुआ है, आगे सेंसर आता है एयरबैग का, इसके लिए इसका एयरबैग खुल गया था। एयरबैग खुल गया था तो ये वाला एयरबैग खुला था इधर का, ये दो बोल्ट पे फिट रहता है एयरबैग, लेफ्ट साइड में ग्लो बॉक्स का ठीक ऊपर आता है। इसके लिए मैंने डैशबोर्ड खोल दिया है। कस्टमर का कंप्लेन था कि मेरा डैश एयरबैग फट चुका है, उसको ना किसी लोकल गैरेज पर चिपका कर लिया था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी एयरबैग किधर है, कैसे फटा है। देख सकते हो मैं पूरा ये डैशबोर्ड का सिस्टम खोल दिया है और डैशबोर्ड पैनल बाहर निकाल लिया है। देख सकते हो फ्रेंड्स, वॉल्वो की एयरबैग है, स्टीयरिंग का एयरबैग। देख सकते हो इसमें दो सॉकेट आता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। ये मेरा सीडी है जो इधर रहता है, फिट रहता है सीडी। सारा सिस्टम मैंने खोल के इसको गाड़ी में अंदर रख दिया है, देख सकते हो। मीटर इधर, इलेक्ट्रिक मीटर फ्रेंड्स, डिजिटल मीटर, डिस्प्ले है। ये गियर लीवर के इधर का प्लेट है, पैनल इधर फिट होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ डैशबोर्ड में किधर से एयरबैग फटा है और कैसे उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, फिर आगे की वीडियो में दूसरे से बताऊँगा। ये गाड़ी का डैशबोर्ड पैनल देख सकते हो फ्रेंड, यही वाला एयरबैग खुला है। देखो कैसे चिपकाया है एमसील से, किसी लोकल गैरेज पे इसको एमसील से चिपका के ढक दिया गया है। अभी इसको फ्रेंड कस्टमर बोलता है इसको नया डैशबोर्ड बना के डालने का लिए, नया एयरबैग डालेगा फिर हम लोग डैशबोर्ड फिट करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ अभी वॉल्वो का डैशबोर्ड फिटिंग करने के लिए। मेरा डैशबोर्ड आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो इतना सारा सिस्टम है खोल कर रखा हूँ, अभी हम लोग इसको फिटिंग करने वाले हैं। अभी डैशबोर्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा डैशबोर्ड रिपेयरिंग होके आ गया है। तो फ्रेंड मैंने वॉल्वो का डैशबोर्ड ला के लगा रहा हूँ अभी, देख सकते हो कितना अच्छा फ्रेश अभी दिख रहा है। पहले इधर एयरबैग खुला था, इसका एमसील दिख रहा था, ये देख सकते हो फ्रेंड पूरा एकदम क्लियर हो गया है, नया चकाचक हो गया है। देख सकते हो फ्रेंड मेरा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ये रिपेयरिंग कराने के लिए खोला था, इधर एयरबैग खुला था तो एमसी लगाया था, भाड़ा दिख रहा था, इसके लिए खोला था फ्रेंड्स। पूरा कपड़ा मैंने नया बैठा के पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो।